जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। जी दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है। नाउ वी सी यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं व्हाट इज दिस। द का प्रयोग नाउन से पूर्व किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। द का प्रयोग हम लोग नाउन के पूर्व करते हैं जो निश्चित होता है, जो क्या होता है, निश्चित होता है या जिसकी चर्चा पहले हो जा चुकी होती है। ठीक है, द को इसी कारण डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि निश्चित वस्तु होती है या तो उसकी चर्चा पहले की जा चुकी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं द का प्रयोग करने के नियम, क्या क्या नियम हैं द का प्रयोग करने के लिए। पहला, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। अब देखिए यहाँ पे अ किंग है क्योंकि इसकी जिक्र अभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है तो अ किंग। उसके बाद देखिए द किंग वॉज वेरी काइंड। अब देखिए इस किंग की चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है, द। लेकिन जब इसकी पहले चर्चा हुई थी तो उसके पहले अ लगा हुआ है, अर्थात ए लगा हुआ है। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। अब देखिए ओल्ड मैन की चर्चा पहली बार हो रहा है, इसलिए एन का यूज हो गया, इसलिए किसका यूज हुआ, एन का यूज। फिर द ओल्ड मैन, अब देखिए ओल्ड मैन एक बार हो चुका है, एक बार आया है, इसलिए इसके पहले हम लोग द का प्रयोग कर लिए क्योंकि ओल्ड की चर्चा पहले की जा चुकी है। वॉज वेरी पुअर। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है प्रथम सेंटेंस में, कह रहा है प्रथम सेंटेंस में किंग से पूर्व ए का प्रयोग हुआ है क्योंकि इंट्रोडक्शन के समय इसे पहले हमें यह ज्ञात नहीं था। ठीक है, इंट्रोडक्शन के समय इसके पहले हमें ज्ञात नहीं था कि कहानी किसकी सुनाई जा रही है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ। बाद में द का प्रयोग किया गया क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद किंग निश्चित हो गया। इसी प्रकार ओल्ड मैन से पहले सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया लेकिन बाद में द का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि ओल्ड मैन का उल्लेख पहली बार जब हो रहा था तो ए का प्रयोग किया गया और जब दूसरी बार हुआ तो उसके पहले द का प्रयोग किया गया। लेकिन जब पहले लास्ट वाले में जब चर्चा किया गया, अर्थात जब लास्ट में चर्चा किया ओल्ड मैन के बारे में, तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड था, उसे पहले ही हम लोग जान रहे थे, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग किया गया। ठीक, चलिए आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। द मैन इन वाइट शर्ट, द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब देखिए वो मेरा भाई है, तो मेरा भाई है, मैं पहले भाई अपने भाई से मिल चुका हूँगा, इसलिए द का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? द का प्रयोग किया गया। उसके बाद द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर, वह भी मेरा भाई है, इसके पहले मैं अपने भाई से मिल चुका हूँ, ये मेरे घर का है, इसलिए वह जो लड़का है मेरा भाई है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है, द का प्रयोग किया गया है। द का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन के तरफ इंगित करता है। अगर किसी भी नाउन के पहले द का यूज हुआ है तो वो जान लीजिए कि वह किसी निर्धारित व्यक्ति को, किसी निश्चित व्यक्ति को या किसी निर्धारित नाउन की तरफ इंगित करता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं यूज ऑफ आर्टिकल विथ डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन, अलग अलग नाउन के साथ हम लोग कैसे द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन पे देख लेते हैं व्हाट इज दिस, वेयर वी यूज विथ प्रॉपर नाउन। देखिए किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे राम वॉज एन आइडियल सन, तो यहाँ पर राम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। रोम इज एन एंशियंट सिटी, रोम दैट इज अ प्लेस, इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं। ठीक है, अब उस अपवाद पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए। अ मिस्टर शर्मा
हैज कम टू मीट यू, अ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। अब ध्यान दीजिए, मिस्टर शर्मा है ना, तो ये मिस्टर शर्मा पहली बार है, कोई मिस्टर शर्मा है जो आए हुए हैं मिलने, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए, दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश मिश्रा, बाय अ सुरेश मिश्रा। तो ध्यान दीजिए, मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है जब ये वक्ता के लिए अनजान है, जब ये वक्ता के लिए अनजान है तो इसके पूर्व हम लोग ए का प्रयोग कर दिए ना, का प्रयोग का अर्थ किसी कोई कोई है, और मिसेस मिस्टर शर्मा हो जाता है, मिस्टर शर्मा हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगला दिया है, अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाने लगा, तो उसे हम लोग उसके पहले नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। समझ गए नहीं, तो हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं उसके गुण दोष की वजह से अगर जाना जा रहा है तो। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, अर्थात जय रोम उसके गुण के लिए जाना जा रहा है और उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं किसी व्यक्ति अथवा स्थान के लिए, तो हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ही इज अ हिटलर, अब ही इज अ हिटलर, ही इज अ हिटलर, अब वह एक हिटलर है, अर्थात हिटलर के गुण दोष के बारे में लोग जानते हैं और वह भी उसके उसके गुण भी हिटलर की तरह हैं, इसलिए हम लोग उसके स्वरूप हैं, तो हम लोग इसके पहले ए का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, वो कैसे स्थान है, जैसे द यूक्रेन हो गया, द ग्रेट ब्रिटेन हो गया, द नीदरलैंड हो गया, द हग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इनके हम नाम के पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। राज्यों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अपवाद के रूप में है द पंजाब। किसी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे अमेरिका, रशिया, लेकिन यदि देशों के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो आर्टिकल हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द आयरिश रिपब्लिक। ठीक, आगे पर्वत श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालयाज, द अल्पास, लेकिन चोटियों के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू। तो ये क्या हैं, ये चोटी हैं, इनके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्द से पूर्व हम लोग द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे द इंग्लिश जो है राष्ट्रीयता दिखाता है। ठीक है, स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, ये भी आपका सही है। ठीक, तो यहाँ पर राष्ट्रीयता दिखा रहा है, भाषा नहीं। बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे अपवाद के रूप में है द मिसल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग, द फ्लू। समझ गए, ये अपवाद हैं। नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करें, साथ में कुछ उदाहरण प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, जैसे नदियों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द सतलज। समुद्रों के नाम के पहले द अरेबियन सी, द कैरेबियन सी। ठीक है, महासागरों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। द्वीप समूह के, जैसे द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो द्वीप समूहों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक पिंडों के नाम के पहले द सन, द वेनस, एटीसी। नोट, जो वस्तु यूनिक हैं
उसके पूर्व द का प्रयोग होता है यूनिक के रूप में, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। लेकिन हीवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, गो टू हेल, तो देखिए हेल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो, गॉड रिजाइड्स इन हीवन, गॉड के पहले भी नहीं हुआ ना, तो हीवन के पहले। द बिल वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट, सॉरी इन द पार्लियामेंट नहीं, इन पार्लियामेंट। एनवायरमेंट एंड एटमोसफियर से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, एनवायरमेंट एंड एटमोसफियर के पहले हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, द एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, तो देखिए एटमोसफियर के पहले द का प्रयोग कर लिया गया। वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो देखिए यहाँ भी द का यूज हुआ, यहाँ भी द का यूज। जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है तो स्पेस से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब स्पेस जगह के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेनी एस्ट्रोनॉट ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस ना, लेकिन ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशियंट, तो देखिए यहाँ पे स्पेस जगह के लिए है और ये हो गया। दिशाओं के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा जाता है तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसी तरह नॉर्दर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूरा आर्टिकल नहीं आते हैं, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही इज गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका, इज राजस्थान इज इन द वेस्टर्न इंडिया, स्वीडन इज इन नॉर्थन यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है। खाड़ी के नाम के पहले द बे ऑफ बंगाल, रेगिस्तान के नाम के पहले लिखते हैं द सहारा डिजर्ट, नहरों के नाम के पहले द स्वेज कैनाल, समाचार पत्रों के नाम के पहले द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पवित्र ग्रंथ के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गीता, द बाइबल, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर इन, लेकिन वाल्मीकि रामायण नहीं होता है, बना बाणभट्ट कादंबरी, ठीक है, तो जब हम लोग द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जब इन ग्रंथ के लेखक का नाम भी आ जाता है साथ में तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐतिहासिक इमारतों के पहले द का प्रयोग कर लेते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, समझिए। बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स के नामों नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया पैलेस, लंदन जू, जयसिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। आंदोलन के नाम के पहले द का प्रयोग कर लेते हैं, द क्विट इंडिया मूवमेंट। संगठन के नाम के पहले द यूनाइटेड नेशन। रेलवे, हवाई जहाज, हवार के पहले, मार के पहले द जेट एयरवे, द इंटरसिटी, द राजस्थान एक्सप्रेस, मतलब रेल या हवाई मार्ग के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं। राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी। अधिनियम, संवैधानिक इकाई के नाम के पहले द इंडियन पेनल कोड, द लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर। वाद यंत्र के नाम के पहले द का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे द फ्लूट, द वायलिन, वाद यंत्र, समझ गए नहीं। आगे हम लोग देख लेते हैं, धार्मिक समुदायों के नाम जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, इनके पहले हम लोग कर लेते हैं, व्यक्ति के पद के पूर्व किया जाता है, जैसे द चेयरमैन, द डायरेक्टर, अगर एक संदर्भ में पद का उल्लेख हो तो, अ डायरेक्टर, एन ऑथर इत्यादि भी हो सकता है, यानी ए और एन का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसी आविष्कार के नाम के पूर्व जैसे द टेलीस्कोप। सीमित क्लब ट्रस्ट के नाम के पहले समिति क्लब तथा ट्रस्ट के नाम के पहले द लायंस क्लब, द रॉयट्री,
रोटरी क्लब, वंशजों के नाम के पहले किया जाता है द मराठास, द पेशवाज। शरीर के अंगों के पूर्व द का प्रयोग तभी होता है जब पजेसिव एडजेक्टिव्स के स्थान पर आर्टिकल का प्रयोग हो, जैसे ही वॉज बाउंडेड इन हिज या द आई। तारीखों के नाम के पहले द का प्रयोग कर लिया जाता है द 10th of May। सशस्त्र बल के साथ द आर्मी, द पायलट। ग्रहों के नाम के साथ लिखवाया गया द वेनस, द मार्स। होटल के नाम के पहले द ताज होटल। खेल की ट्रॉफी के या कप के नाम के पहले द वर्ल्ड कप। युद्ध, क्रांति एवं सदी के नाम के पहले द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मिडिल एज। नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महीनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हम लोग। दिनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। विषयों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मार्ग के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मील्स, मील्स जो भोजन होते हैं उनके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा कोई है उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हॉबीज़ के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाउन कंप्लीमेंट के साथ अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट के साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कॉमन नाउन में कहाँ पे हम लोग द का यूज करते हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे, अर्थात नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।